हेलो दोस्तों, आज हम ये हमारा पार्ट फोर है जिसमें हम डिविडेंड डिसीजन पढ़ रहे हैं। पार्ट वन में हमने वॉल्टर, पार्ट टू में गॉर्डन, पार्ट थ्री में हमने एमएम अप्रोच विद आईसीआई इलस्ट्रेशन हमने देखा। पार्ट फोर में हम दो छोटी छोटी अप्रोच हैं, ग्राहम एंड डॉड और लिंटनर, ये कवर करेंगे और एक छोटा सा थियोरिटिकल एस्पेक्ट है वो कवर करेंगे। आप सारी वीडियोस देखेंगे तभी मेरे समझ में आएगी मेरी बात, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सारी वीडियोस मिला के अराउंड 2 घंटे की हैं, तो उसमें अगर आप देख लेंगे सारी वीडियोस तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कोई भी एक वीडियो देखेंगे तो हो सकता है मेरी बात आप तक पूरी ना पहुंचे और मेरे बारे में आप या आप कोई गलत मैसेज दूसरों को कन्वे करें। तो प्लीज चारों वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5, ग्राहम एंड डॉड। ग्राहम एंड डॉड मॉडल, इसको हम ट्रेडिशनल मॉडल भी कहते हैं और इसको हम बर्ड्स इन हैंड मॉडल भी कहते हैं। जो हमारा वॉरेन बफेट है, ये क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टर है, दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से आता है उस, ये बफेट साहब जो हैं, वॉरेन साहब जो हैं, वो इसको अपना गुरु मानते हैं। देखिए, इसने इसके क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे बट आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा वॉल्टर और एमएम और गोल्डन आता है बट इसका भी आ सकता है। इन्होंने ये कहा कि जो प्राइस ऑफ द शेयर होगा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया एम डी प्लस ई अपॉन 3। एम का मतलब मल्टीप्लायर, डी का मतलब डिविडेंड, ई का मतलब अर्निंग। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम इसको। एम डी, अर्निंग के दो पार्ट्स होते हैं बेटे, डिविडेंड और प्लस रिटेन्ड अर्निंग। इनका मानना यह है कि डिविडेंड ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दें तो वो मार्केट प्राइस को ज्यादा अफेक्ट करता है कंपैरेटिवली डिविडेंड ना देने के। इनका मानना है तकरीबन डिविडेंड 4 गुना अफेक्ट करता है डिविडेंड ना देने से। अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड ज्यादा अफेक्ट करेगा शेयर के मार्केट प्राइस को। अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो एक अलग मार्केट प्राइस होगा, डिविडेंड देंगे तो कह रहे हैं 4 गुना तक मार्केट प्राइस अफेक्ट हो सकता है। उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया कि अगर हम इनको एलसीएम ले लें तो ये 3D हो जाएगा, 3D प्लस 1D 4D डिवाइड बाई 3 इंटू में रिटेन अर्निंग डिवाइड बाई 3। यानी कि रिटेन अर्निंग से डिविडेंड 4 गुना इंपैक्ट डालता है शेयर के मार्केट प्राइस पर। ये इन्होंने लिया मल्टी, मतलब ये कुछ इस तरीके से कहना चाहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और अर्निंग पर शेयर इंटू में प्राइस अर्निंग रेशियो होता है ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो हमने उसी को लिख दिया एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस। अब मान लो अर्निंग है आपकी 8 रुपए पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो है आपका 10 रुपए। अगर इस अर्निंग में से 8 रुपए में से आप डिविड, इसके दो ही रूप हो, अर्निंग के दो ही पार्ट होंगे, एक डिविडेंड और एक रिटेन्ड अर्निंग। अगर मान लो आप डिविडेंड 4 रुपए दे दो, रिटेन्ड अर्निंग भी 4 रखो, तो क्या मार्केट प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। डिविडेंड 5 कर दो, रिटेन अर्निंग 3 कर दो, क्या मार्केट प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। डिविडेंड 3 कर दो, रिटेन अर्निंग 5 कर दो, क्या मार्केट प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ग्राहम एंड डॉट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप ये सीधा सीधा ले लेते हो कि अर्निंग में से चाहे डिविडेंड कितना भी दो आपके मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ग्राहम एंड डॉट कहता है कि इस अर्निंग में से डिविडेंड जितना दोगे वो तकरीबन 4 गुना इम्पैक्ट करेगा। कहता है वो, उसका मानना ये है कि ये चीज सही नहीं है। वो कहता है कि डिविडेंड देने से मतलब मार्केट प्राइस पर 4 गुना तक इम्पैक्ट हो सकता है। बस इसी को उसने समझाया है और यही फॉर्मूला है छोटा सा। आइए देखिए जरा कॉन्सेप्ट नंबर 5, ग्राहम एंड डॉट मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, या इसको हम बर्ड्स इन हैंड अप्रोच भी कहते हैं। प्राइस ऑफ द शेयर निकालने का तरीका इन्होंने ये बताया है जिसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया है, मगर आप पेपर में यही यूज करेंगे। मल्टीप्लायर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, जेएफके जस्ट फॉर नॉलेज,
आप जानते हैं एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू में प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका अर्निंग पर शेयर 8 रुपए और प्राइस अर्निंग रेशियो 10 टाइम्स है, तो आपका मार्केट प्राइस 80 रुपीज हो गया। अब इस अर्निंग में से आप डिविडेंड और रिटेन अर्निंग दो पार्ट होते हैं, आप डिविडेंड मान लीजिए 5 रुपए दे दीजिए, रिटेन अर्निंग 3, आपका मार्केट प्राइस तब भी 80 रहेगा, और डिविडेंड 4 रिटेन अर्निंग 4 बराबर बराबर कर लीजिए, मार्केट प्राइस तब भी 80 रहेगा। रिटेन अर्निंग 3 कर दीजिए, सॉरी डिविडेंड 3 कर दीजिए, रिटेन अर्निंग 5 कर दीजिए, तब भी मार्केट प्राइस 80 रहेगा। इट डज नॉट अफेक्ट एमपीएस वेदर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, मगर ग्राम एंड डॉट कहता है डिविडेंड अफेक्ट 4 टाइम दैट रिटेन अर्निंग टू द प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में डिविडेंड मार्केट प्राइस को 4 गुना अफेक्ट करता है। कहते हैं रिटेन अर्निंग भी करता है बट रिटेन अर्निंग से 4 गुना अफेक्ट करता है, इसलिए इसने इसको ये फॉर्मूला दिया। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आईसीआई मॉड्यूल से, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ग्राहम एंड डॉट के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 ले लेते हैं हम आईसीआई मॉड्यूल का। अर्निंग पर शेयर आपको 30 दिया हुआ है, ईपीएस डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, यानी कि 30 में से 60% 18 रुपीज हम डिविडेंड दे दिया और 12 रुपीज हमारा रिटेन्ड अर्निंग है। मल्टीप्लायर 2 है, प्राइस पर शेयर बताना है एज पर ग्राम डॉट मॉडल। आइए करके दिखा देता हूं मैं आपको। मल्टीप्लायर इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 8, आप डाल लीजिएगा हेडिंग इलस्ट्रेशन 8, और आपका पेज नंबर है 9.29, इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 9.28। देखिएगा प्राइस ऑफ द शेयर एम डी प्लस ई बाय 3, एम है 2, डिविडेंड कह रहे हैं 30 का 60% 18 रुपीज, 30 का 60% 18 रुपीज, अर्निंग है 30 डिवाइड बाई 3, कह रहे हैं आपका जो आएगा 56 प्राइस ऑफ द शेयर। अब इसी को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% नहीं होती, 40% होती, तो प्राइस ऑफ द शेयर कितना होता, फिर 30 का 40% दिया जाता 12 रुपीज, शेयर का दाम कितने रुपए कम हो गया, 12 रुपए कम हो गया। कह रहे हैं जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे शेयर का दाम उतना ज्यादा आएगा। आइए हम इसी को 90% करके देखते हैं, यानी कि 27 आएगा डिवाइड बाई 30 इंटू में 3, शेयर का दाम 74 आएगा। यानी कि इनका कहना यह है कि डिविडेंड जितना ज्यादा होगा शेयर का दाम उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू में प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड चाहे जितना भी दो और आपका जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो सेम रहेगा। ग्राम एंड डॉट कहता है नहीं, 4 गुना ज्यादा तक अफेक्ट कर सकता है रिटेन अर्निंग के कंपेरिजन में, इसलिए डिविडेंड जितना दिया जाएगा उतना ज्यादा शेयर का मार्केट प्राइस होगा, शेयर का मार्केट प्राइस होगा जितना डिविडेंड दिया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में डिविडेंड 60% था, 40 होता तो अलग शेयर मार्केट प्राइस होता, 90% होता तो अलग शेयर मार्केट प्राइस होता। आइए एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 है जिसमें आपको प्राइस बताया है
डी जीरो भी बताया है, एम बताया है, सेवन कह रहे हैं अर्निंग बताओ कितनी होगी। पी जीरो एम डी ई बाई थ्री, ये दोस्तों बताया आपको 58.33, मल्टीप्लायर 7 है, डिविडेंड 5 है, अर्निंग नहीं मालूम, अर्निंग निकाल लेना। ये रही अर्निंग 9.9999, 10 रुपीज। अगर अर्निंग 10 है और उसमें से डिविडेंड 5 दिया जा रहा है 50, तो इसका मतलब है डिविडेंड इस क्वेश्चन में 50% दिया जा रहा है, तब आपका प्राइस ऑफ द शेयर 58.33 है। अगर ये डिविडेंड बढ़ाया जाए तो शेयर ऑफ द प्राइस भी बढ़ेगा, यानी कि ग्राहम एंड डॉट का सीधा सीधा ये कहना है कि डिविडेंड जितना ज्यादा दिया जाएगा अर्निंग में से, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर उतना ही अधिक होगा। इसको नोट कर लेना बेटे, ये तो समझाने के लिए लिखा था, सॉल्यूशन हमने नीचे दिया है प्रॉपर, आप सीधा सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आपका ये 9 है आईसीआई मॉड्यूल का। यहां पर ये खत्म होता है। अब अगला टॉपिक छोटा सा, लिंटनर। लिंटनर क्या कहता है उसे समझ लीजिएगा। ये कहता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर डिविडेंड आज जो आपने अपने शेयर होल्डर को दिया 5 रुपए दिया, और इस बार की जो अर्निंग हुई है 15 रुपए, जिसमें से इस अर्निंग में से नेक्स्ट ईयर डिविडेंड दिया जाएगा, और आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो अर्निंग का 70% आप डिविडेंड देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो D1 होगा आपका 15 रुपए की अर्निंग में से 70%, 10 रुपए 50 पैसे आपका डिविडेंड पर शेयर होगा। यानी कि इस बार डिविडेंड 5 रुपए था, अगली बार 10 रुपए 50 पैसे हो जाएगा, यानी कि डिविडेंड सीधा 110% इंक्रीज हो जाएगा। कह रहे जैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ी आपने डिविडेंड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कह रहे ऐसा हो सकता है अगली बार अर्निंग गिर जाए तो डिविडेंड गिर जाएगा, अर्निंग और कम हो जाए डिविडेंड और कम हो जाएगा, तो ऐसा होने से मार्केट में आपकी कंपनी की इमेज खराब होती है, क्योंकि शेयर होल्डर अपनी इनकम को सही तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पाते कि उनकी इनकम क्या रहने वाली है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, बहुत ज्यादा एक वेरिएशन हो जाता है शेयर होल्डर की इनकम में, तो शेयर होल्डर जो है ना कंपनी पे विश्वास नहीं कर पाते यार। जब अच्छा कमा मतलब ये तो होता है कि अच्छा कमाएंगे तो अच्छा देंगे, खराब होगा तो फिर खराब भी बहुत होगा। तो लिंटनर कहता है कि आप जब ज्यादा कमाएं तो एकदम से फट ना पड़े, दें ज्यादा दें, मगर ये नहीं कि एकदम से, थोड़ा बढ़ाएं, एक एडजस्टमेंट के साथ बढ़ाएं। मतलब उसका कहना ये था कि जब 5 रुपए था डिविडेंड आपका D0 और अर्निंग 15 हो गई और डिविडेंड पे आउट रेशियो आप 70% रखना चाहते हैं, तो यानी कि आप 10.5 रुपए देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट 5.5 रुपए ना बढ़ाएं, मतलब बढ़ाएं मगर एक एडजस्टमेंट के साथ, मतलब एक एडजस्टमेंट के साथ आप बढ़ाएं। मान लीजिए आपका एडजस्टमेंट रेट भी 70% है, मतलब आप बढ़ाएंगे 70% बढ़ाएंगे, डायरेक्ट एकदम सारा नहीं बढ़ाएंगे, मतलब आपका जो D1 होगा, मतलब लिंटनर कहता है जो डिविडेंड आप देंगे अपने शेयर होल्डर को, वो डायरेक्ट 5 रुपए से बढ़ाकर 10.5 नहीं करेंगे। जितना डिविडेंड आपने इस बार दिया था वो तो दे दीजिए अगर अर्निंग आपकी बढ़ रही है, प्लस जो अर्निंग आपकी हुई है उसके 70% जो आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो, उसके अकॉर्डिंग आपका नया डिविडेंड बनता है 10.5 रुपए। 10.5 रुपए में से 5 रुपए तो आप पहले लिख चुके हैं, यानी कि आप डिविडेंड 5.5 मत बढ़ाइए डायरेक्ट, उस 5.5 का एक प्रोपोर्शन बना लीजिए कि इतने परसेंट बढ़ाना है, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। जरूरी नहीं कि दोनों 70% हो, सकता है ये 60% हो, ये 70 हो, ये 70 हो, ये 80 हो, या 40 हो। तो ये हो गया आपका D0, ये हो गई आपकी अर्निंग, ये हो गई डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हो गया D0, और इसे कहते हैं हम एडजस्टमेंट फैक्टर, यानी कि डायरेक्ट बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं ना बहुत ज्यादा कम करें आप, और इससे ये एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो बेसिकली लिंटनर ने जो फॉर्मूला दिया है वो प्राइस ऑफ द शेयर का नहीं दिया है, वो D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालने का दिया है। जैसे और सब ने शेयर प्राइसिंग का फॉर्मूला दिया है, इसने डिविडेंड का दिया है। तो D1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, E इंटू में DP रेशो,
अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एडजस्टमेंट फैक्टर के अंदर, ई इंटू में डीपी रेशियो इंटू में एडजस्टमेंट फैक्टर, ये एक ब्रैकेट में ले लो है ना, और प्लस हो जाएगा डी जीरो माइनस डी जीरो इंटू में एडजस्टमेंट फैक्टर, फिर इसमें से हम ये हो जाएगा फॉर्मूला ई इंटू में डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू में एडजस्टमेंट फैक्टर प्लस वन माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर इंटू में डी जीरो। तो इस तरीके से बुक के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, डी जीरो प्लस ई इंटू में डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस डी जीरो इंटू में एडजस्टमेंट फैक्टर, वो फॉर्मूला लिखने का तरीका है। बट लिंटनर ने जो ये फॉर्मूला बनाया है वो कुछ इसी तरीके से बनाया है। आइए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के हिसाब से समझाता हूं। ये इलस्ट्रेशन नंबर आपकी बुक में 11 होना चाहिए, सॉरी 10 होना चाहिए इलस्ट्रेशन नंबर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आपकी बुक में आईसीआई मॉड्यूल में। डी जीरो 9.8 है, एडजस्टमेंट फैक्टर 45% है, पे आउट रेशियो 60% है, अर्निंग 20 रुपीज है। डी वन निकालना है तो आपने फॉर्मूला लिखा डी जीरो वन माइनस ए, अभी बताया कैसे बना ये फॉर्मूला, प्लस अर्निंग इंटू में डीपी रेशियो इंटू में एडजस्टमेंट फैक्टर। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आईसीआई मॉड्यूल में इस तरीके से दिया हुआ है फॉर्मूला, और करके आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये बेटे, चाहे आप ऐसे लिख लें इस फॉर्मूले को या ऐसे लिख लें, एक ही चीज है ये। आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर डी जीरो की एफ में मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में डी जीरो लिखेंगे, उसमें से डी जीरो कॉमन लेंगे तो वन माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर ही आएगा। आप ऐसे लिख लें फॉर्मूले को, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। डी जीरो 9.8 दिया हुआ है मगर, बट आईसीआई ने ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मैंने आईसीआई के हिसाब से सॉल्यूशन किया है। अर्निंग 20 रुपीज है, पे आउट रेशियो 60% है, डी जीरो 9.8 है जो लास्ट ईयर दिया रहा डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड का इंक्रीमेंट है, 12 रुपए में से 9 रुपए 80 पैसे घटा दो, 20 का 60% 12 रुपए, 12 रुपए में से 9 रुपए 80 पैसे घटा दो तो डायरेक्ट 2 रुपए 20 पैसे डिविडेंड ना बढ़ाओ, 2 रुपए 20 पैसे का भी 45% बढ़ाओ, ये मतलब है एडजस्टमेंट फैक्टर का। और आपका जो नया D1 होगा वो 10.79 होगा। तो लिंटनर ने जो ये फॉर्मूला दिया है ये सिर्फ और सिर्फ दिया है एक्सपेक्टेड डिविडेंड के लिए। आइए इसको नोट कर लीजिए बेटे, लिंटनर मॉडल ये फोकस करता है कि डिविडेंड वेरी नहीं करना चाहिए डायरेक्टली ईपीएस के साथ, ईपीएस बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा डिविडेंड बढ़े, ईपीएस घट जाए तो बहुत ज्यादा, ऐसा ना हो, बढ़े मत थोड़ा बढ़े, घटे तो थोड़ा घटे विद एन एडजस्टमेंट। उसको हमने एडजस्टमेंट फैक्टर का नाम दिया है, वो एडजस्टमेंट रेट कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है, बोलिए सब लोगों को क्लियर है ये बात, हाँ इसको नोट कर लीजिए। सफिशियंट टाइम मैंने सब लिख दिया है, जो बोला है मैंने लिख दिया है इसके अंदर। इलस्ट्रेशन 10 के बाद इलस्ट्रेशन 11 MM अप्रोच वाला था, वो मैंने आपको बता दिया था। और इलस्ट्रेशन जो 12 है वो वाल्टर मॉडल का है, वो आपको करना है घर पर। वाल्टर मॉडल के लिए हमारी इसी सीरीज की जो पार्ट 1 की वीडियो है उसको देखिएगा। इलस्ट्रेशन 12 आपको करना है घर पर। इलस्ट्रेशन 13 आपका ये भी हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 13 ये आपका गॉर्डन मॉडल पर है, इलस्ट्रेशन 13 ये हो जाएंगे आपके। उसके बाद समरी है, समरी के बाद कुछ MCQ है और उसके बाद आपका थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इजीली आप कर लेंगे, 1 2 3 तीन चार क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आए आप प्लीज मैसेज करके व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज बता दूंगा। लास्ट एक टॉपिक है छोटा सा, स्टॉक स्प्लिट्स।
ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जरा समझ लीजिए। एक कंपनी के शेयर का दाम चल रहा है 2200 रुपीज, सपोज करिए, या 500 रुपीज चल रहा है एक शेयर का, मतलब एक शेयर कंपनी का 500 रुपए में मार्केट में ट्रेडेबल है। अब लोगों की हालत बड़ी खराब हो रही है, आप देख रहे हैं कोविड-19 है तो इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं है तो मार्केट में लगाए। अब मेरे पास मान लीजिए 200 रुपए हैं, मगर मैं उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि 200 रुपए में वो शेयर मिलता है नहीं, वो शेयर मिलता है 500 रुपए में। और मेरे ना जाने मेरे जैसे ऐसे कितने 200 200 300 रुपए वाले घूम रहे हैं जो वो शेयर खरीदना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट बाय बिकॉज द प्राइस ऑफ वन शेयर इज ₹500 और 200 में वो शेयर आता नहीं है। तो क्या होगा जब कोई उसको खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कम है, शेयर का दाम हाई है, तो वो कोई तो उसको खरीद नहीं पाएगा क्योंकि एक शेयर 500 का चल रहा है। तो कंपनी चाह रही है लोग शेयर खरीदें, हम कह रहे हैं भाई कैसे खरीदें, 200 रुपए है मेरे पास, मैं तेरा शेयर नहीं खरीद सकता। अब तुम 20 पर एक शेयर का आधा थोड़ी करोगे, शेयर तो पूरा ही दोगे ना मुझको, एक शेयर में भी आधा क्या करोगे। तो उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा जो एक 500 का शेयर है ना, एक शेयर को ही 5 पार्ट में बांट दो, मतलब एक शेयर के ही आप 5 शेयर बना दो, जो 500 का शेयर है एक, आप उसको 100-100 के 5 शेयर बना लो, मैं 2 खरीद लूंगा, 2 मेरे दोस्त खरीद लेगा, एक और कोई खरीद लेगा, आपका पूरा 500 मिल जाएगा आपको और हमें भी इन्वेस्टमेंट मिल, हमारे भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पैसा। ऐसी चीज को हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं, पढ़ के देखिए जरा, स्प्लिटिंग ऑफ वन शेयर इंटू मैनी शेयर, एग्जाम्पल 1 शेयर ऑफ ₹500 इंटू 5 शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 500 का एक शेयर अगर 500 100-100 रुपए के 5 शेयर में बांट दिया जाए तो उसको स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। इट इज अ टूल यूज बाय कंपनी, ये कंपनी का टूल है रेगुलेट प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर के प्राइस को रेगुलेट करने का। इफ अ शेयर प्राइस इंक्रीज इज बियॉन्ड लिमिट, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देन इट मे बिकम लेस ट्रेडेबल, फिर लोग उसमें पैसा थोड़ा कम लगाने लगते हैं, हेंस कंपनी स्प्लिट्स अ शेयर इंटू मैनी, तो फिर एक शेयर को कई शेयर्स में कंपनी बांट देती है और उसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। तो ये हमारी फोर्थ वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो हमारी सबसे लंबी वीडियो है जिसमें हमने वॉल्टर मॉडल पढ़ा, दूसरी वीडियो से छोटी है जिसमें हमने गॉर्डन पढ़ा, तीसरी में हमने MM पढ़ा विद क्वेश्चन, और फोर्थ वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो हमारी आखिरी वीडियो है। और उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है आपको मेरी बात। उस फोर्थ वीडियो में हमने पढ़ा है लिंटनर मॉडल, ग्राहम एंड डॉड और आपका स्टॉक स्प्लिट, और ये हमारी आज वीडियोस पूरी होती हैं। डिविडेंड डिसीजन अब आपके पास पूरा चैप्टर पहुंच गया है।